संवाद लाइव। संवाद लाइव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संवाद लाइव पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, देव और सवैया कवित्त ये भाग विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे, तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं डॉ श्रवण कुमार गोथियाल देव और सवैय कवित्त भाग 4 में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा है कि भाग 3 में रीतिकाल के श्रृंगारी कवि देव जी के प्रथम कवित्त से आप सभी भलीभांति परिचित हो गए होंगे। तो आइए आज हम भाग 4 में उनके द्वितीय कवित्त की प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे और कवित्त वाचन से पूर्व संक्षेप में इनके प्रसंग पर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। यहाँ संकलित कवित्त सवैयों में एक ओर जहाँ रूप सौंदर्य का आलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी है। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्त में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्त में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। इस प्रकार दोस्तों, देव और सवैय कवित्त भाग 4 में द्वितीय कवित्त के प्रसंग पर संक्षेप में प्रकाश डालने के बाद अब हम द्वितीय कवित्त का सस्वर वाचन करेंगे। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदधी दधी को सो अधिकाय उंगे अमंद, बाहर ते भीतर लू भीती न दिखे देव, दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरसबन, तारा सी तरुणी तामे थाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगाई, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। दोस्तों, इस प्रकार से सवैय और प्रसंग का वाचन करने के पश्चात आओ अब इसकी व्याख्या करते हैं। इस कवित्त में चांदनी रात की सुंदरता का बखान किया गया है। चांदनी का तेज ऐसे बिखर रहा है जैसे किसी स्फटिक के प्रकाश से धरती जगमगा रही हो। चारों ओर सफेद रोशनी ऐसे लगती है जैसे कि दही का समंदर बह रहा हो। इस प्रकाश में दूर दूर तक सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। ऐसा लगता है कि पूरे फर्श पर दूध का झाग फैल गया है। उस फेन में तारे ऐसे लगते हैं जैसे कि तरुणाई की अवस्था वाली लड़कियां खड़ी हों। ऐसा लगता है कि मोतियों को चमक मिल गई है या जैसे बेले के फूल को रस मिल गया है। पूरा आसमान किसी दर्पण की तरह लग रहा है जिसमें चारों तरफ रोशनी फैली हुई है। इन सब के बीच पूर्णमासी का चांद ऐसे लग रहा है जैसे उस दर्पण में राधा का प्रतिबिंब दिख रहा हो। तो इस प्रकार दोस्तों, देव और सवैय कवित्त भाग 4 में कवित्त पढ़ा और देखा, आपको जरूर पसंद आया होगा। मित्रों, देव और सवैय कवित्त भाग 5 में सवैय कवित्त 4 को हम अपनी आगामी वीडियो में पढ़ेंगे और उसकी प्रसंग सहित व्याख्या भी करेंगे। आशा है ये भाग विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। आगामी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।